हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस सेशन में हमको ये दोनों जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करना है बाय मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो सीरीज में होता है उनको सीरीज से, जो दो पैरेलल में होते हैं उनको पैरेलल से, फिर लास्ट में जाके हमको एक रेजिस्टर मिलता है, कितना, एक, और उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ वी विल सम दिस टू एग्जांपल बाय मिक्स कंबाइन रेजिस्टर मेथड। ओके, अब इसमें देखना, बहुत ही इजी एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है और ए टू बी, ए टू बी देख रहे हो। ओके, हमको फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर। ओके, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। ओके, यहां से देखिए, इस पॉइंट के बीच में ए ऐसे है, ए कंडक्टर है, यहां पे ऐसे एक पॉइंट में है, यहां पे ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में। जैसे मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यहां से इनको निकाल के ऐसे कर दूंगा तो दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ओके, तो दिस 5 ओम एंड दिस 5 ओम आर कंबाइन टू ईच अदर विद सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 + 5 = 10। आपको पता है सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, R = R1 + R2, तो 5 + 5 = 10। तो इसकी जो हमको आगे की सर्किट मिलेगी वो क्या होगी, यहां पे देखिए, इसको ये वाला यहां पे है ए पॉइंट, ए पॉइंट, ई रेजिस्टर यहां पे है, और ये जो पॉइंट था इन दोनों के बीच में, ये हमको कितना मिला, 10 ओम, ए कितना है 5 ओम, ए भी कितना है 5 ओम। ए कैसे आया समझ में आया, दोनों को क्या कैसे कंबाइन किया, सीरीज। ओके, अब देखिए ये दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 10 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 10 × 5 = 50 / 50 ऐसे। फॉर्मूला क्या था पैरेलल के लिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ओके, तो 5 × 10 = 50 और डिवाइड बाय 50। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 15 / 50 क्या आएगा, क्या आएगा, इसको कर सकते हो इसको, या इतना ही रहने दीजिए। तो ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कितना मिला 15, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं। ओके, तो सबका एडिशन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 5, यहां पे भी 5, तो ये फॉर्म बनेगा प्लस
plus 75 plus 75. 150 plus 52. 200 upon 15. कितना मिला? 200 upon 15. Oh, okay. This is the answer. And you see equivalent resistance. आएगा समझ? Okay. अब यहाँ पे आ रहे हैं. यहाँ पे भी दूसरा example सॉल्व करने जा रहे हैं. AB. यहाँ से ये एक दूसरा example देख रहे हैं. इसमें. इसमें क्या है? तो इसमें हम एक नया पॉइंट, नया कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं. कौन सा कॉन्सेप्ट? कि रेजिस्टर कब क्रिएट होता है? रेजिस्टर कब क्रिएट होगा? इसमें रेजिस्टर है ऐसा हमको कब पता चलेगा? व्हेन करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर, व्हेन वी से रेजिस्टर इन दिस कंडक्टर. अगर इसमें करंट फ्लो होगी तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें रेजिस्टर है. समझ में आया? कोई हाईवे पे ट्रैफिक है, हम वहां पे जाएंगे तो हमको दिखेगा कि वहां पे ट्रैफिक है. तो अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है तो इसका रेजिस्टर है? नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो होगा तभी तो उसको अपोज करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि इसमें रेजिस्टर है. तो यहां पे देखिए, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है. हमको ए और सी के, ए और बी के बीच में फाइंड, इसमें जब हम फाइंड करना चाहेंगे इक्विवेलेंट, तो यहां पे लिखना फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर ए टू बी. किसके बीच में फाइंड करना है? ए टू बी के बीच. ओके, अब यहां पे देखिए, अगर यहां से करंट फ्लो होती है उसको बी तक पहुंचना है तो वो कौन से पाथ से जाएंगे? यहां तक है, थोड़ी करंट यहां पे आ गई, थोड़ी करंट इस तरफ चली गई. ये देखिए, थोड़ी करंट इस तरफ हुई और थोड़ी करंट इस तरफ. हमने क्या बोला था? करंट बिहेव्स लाइक वाटर, जितने पाथ मिलेंगे सब में बढ़ जाएंगे. तो यहां पे अब ये जो करंट है वो यहां से ऐसे स्ट्रेट जाके यहां पे जा सकती है, बी तक पहुंच रहा है. ये जो करंट है वो यहां से जाके फिर यहां पे जाएगी. तो इसमें किस रेजिस्टर में से करंट पास नहीं होगी? इसमें से और इसमें से. क्यों? अगर यहां पे जाएगी तो वो सी तक पहुंच जाएगी, तो उसको कहां पे जाना है? बी तक. हमको बी तक फाइंड करना है. और यहां पे भी नहीं आएगी क्योंकि हमको डी भी फाइंड नहीं करना है. ओके, तो इसमें और इसमें करंट फ्लो नहीं होती है तो हम उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे. क्योंकि हमने क्या बताया, जिसमें से करंट फ्लो होगी उसमें से हमको रेजिस्टर पता चलेगा. ओके, तो ये रेजिस्टर हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे. तो हमारी सर्किट क्या होगी? तो हमारी जो सर्किट है वो ये देखिए आप सर्किट. ये वाली सर्किट होगी, ये सर्किट होगी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये दोनों रेजिस्टर हमने कट कर दी क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा. ओके, अब देखिए सबका वैल्यू क्या है. 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये भी कितना है? 10, 10, 10. ओके, अब देखिए ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ए तीनों सीरीज में, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा? 30. तो हमारा नया डायग्राम क्या बनेगा? और इसके साथ ए कितना मिला? 30. ए कितना था? 10. ए कितना था? 10. ए कितना था? 10. ए टू बी. ओके,
अब ए दोनों किस पॉइंट इस पॉइंट के बीच में देखिए, ए दोनों किस कॉम्बिनेशन में हैं पैरेलल, कितना होगा 30 × 10 इस फॉर्मूला से 300 30 + 10 40 300 / 14 मतलब 30/4 तो 15/2 हो जाएगा। ओके कितना होगा 15/2 तो ए हमको जब मिलेगा ए जो पॉइंट है ए ए जो पॉइंट है बी ए कितना मिला 15/2 ए कितना है 10 ए कितना है 10। अब देखिए ए तीनों सीरीज में है तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या मिलेगा 20 20 20 20 कितना होगा 40 + 55 / 2 इट्स अ इक्विवेलेंट रेजिस्टर। आइए समझ में। ओके ऐसा ही आपको फाइंड करना है कि हमने किसके लिए फाइंड किया एडी के लिए, आपको प्रैक्टिस वर्क में करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर बिटवीन ए टू सी मतलब आर ए सी सी के बीच कहां से जाएगी करंट यहां से ऐसे आके ओके और थोड़ी करंट यहां पे जाएगी वो भी यहां पे आएगी तो ए और ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे कर सकते हो। ओके तो ये आपको ट्राई करना है दोनों एग्जांपल बहुत इजी है आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ओके इसके बाद हम बुक के जो एक्सरसाइज के एग्जांपल है उसको डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ और जो